गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शॉर्ट टेंस वर्ब्स कैसे दिए जाते हैं, यानी छोटे छोटे उत्तर किस प्रकार से प्रश्नों के बनाए जाते हैं, इस संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, कोई प्रश्न आपसे पूछता है, वह भी एक्सिलरी वर्ब से पूछता है, सहायक क्रिया से प्रश्न बना है, तो उसका उत्तर दो तरह से, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में दिया जा सकता है। जैसे हिंदी में आप कह रहे हैं कि क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, तो आप कहेंगे हाँ मैं जा रहा हूं, अथवा दूसरा उत्तर हो सकता है नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक, यानी इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। अब इसमें देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, यस आई एम, आई एम या आई एम, यस आई एम, मैं जा रहा हूं, आई एम का मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल। और इसी का अगर नेगेटिव आंसर आपको देना हो तो कहेंगे नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, या आई एमंट। तो कह रहा कि इसमें अफर्मेटिव या नेगेटिव दो तरह के उत्तर दिए जा सकते। दूसरा, कैन यू ड्राइव ए कार, कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, कैन यू ड्राइव ए कार। अब अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव उत्तर, सकारात्मक उत्तर अगर आपको देना है तो आप क्या कहेंगे, यस आई कैन, यस आई कैन। और अगर नेगेटिव उत्तर देना तो नो आई कांट, नो आई कांट। प्रश्न हुआ कैन यू ड्राइव ए कार, तो पॉजिटिव हुआ आंसर यस आई कैन, और नेगेटिव आंसर नो आई कांट। पॉजिटिव में हाँ मैं चला सकता हूं, नेगेटिव में नहीं मैं नहीं चला सकता हूं, नो आई कांट। तीसरा, इज योर सन मैरिड, इज योर सन मैरिड, क्या आपका पुत्र शादीशुदा है, क्या आपका पुत्र शादीशुदा है, या तुम्हारा पुत्र शादीशुदा है, तो उत्तर क्या होगा, हां शादीशुदा है, अथवा शादीशुदा नहीं है, हां शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा नहीं है। दो शॉर्ट आंसर हुए, इज योर सन मैरिड, आंसर हुआ यस ही इज, यस ही इज। और नेगेटिव आंसर हुआ नो ही इजंट, नो ही एजेंट, वह नहीं है, या ही इज नॉट, शॉर्ट में लिखिए ही एजेंट या ही इज नॉट। नंबर चार, डज विनु वर्क हार्ड, क्या विनु परिश्रम करती है, डज विनु वर्क हार्ड, तो उत्तर हो जाएगा यस ही डज, यस ही डज, वह करता है, यस डज विनु वर्क हार्ड, क्या विनु काम करता है, यस ही डज या नो ही डजंट, नो ही डजंट, वह नहीं करता है। नंबर पांच, डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा, डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में उत्तर हो जाए यस, हां उसने, ही डज, ही डिड, उस पास्ट टेंस में, यस ही डिड, हाँ उसने कहा, या नो ही डिडंट, नो ही डिडंट। डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा, पॉजिटिव उत्तर हो गया यस ही डिड, हाँ उसने कहा, या नो ही डिडंट। अब आइए अगला, एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स विथ स्टेटमेंट्स, कथन का के प्रति सहमति या असहमति व्यक्त करना, कथन के प्रति अपनी सहमति या असहमति देना, जिसमें पहला है एग्रीमेंट्स विथ अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर मेड, स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव वाक्यों के साथ सहमति दी जाती है, बनाया जाता है यस सो ऑफ कोर्स प्रोनाउन एक्सिलरी वर्ब।
करा एग्रीमेंट विथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर पॉजिटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, तो उसके साथ सहमति बनाई जाती है, सेंटेंसेज आर मेड। कैसे? यस, हाँ से, सो, अथवा ऑफ कोर्स, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब। यस प्रोनाउन एक्सिलरी वर्ब, सो प्रोनाउन एक्सिलरी वर्ब, ऑफ कोर्स प्रोनाउन एक्सिलरी वर्ब, तीन तरह से। जैसे इट इज ए गुड फिल्म, या अच्छी पिक्चर है, अच्छी फिल्म है। इट इज ए गुड फिल्म, या अच्छी फिल्म है। यस इट इज, सो इट इज, ऑफ कोर्स इट इज, तीन उत्तर हो। यस इट इज, सो इट इज, ऑफ कोर्स इट इज। मोहन मतलब ये स्वीकारात्मक सहमति आप जना रहे हैं, हाँ है। मोहन हैज ऑलरेडी कम, मोहन हैज ऑलरेडी कम, मोहन पहले ही आ चुका है, मोहन पहले ही आ चुका है। अब आप सहमति कैसे जनाएंगे? यस ही हैज, अथवा सो ही हैज, अथवा ऑफ कोर्स ही हैज, तीन उत्तर हो गए। यस ही हैज, ऑफ कोर्स ही है, सो ही हैज। तीसरा है, ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, वो बहुत अच्छा अंग्रेजी हिंदी बोल सकता है। ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, वो बहुत अच्छा हिंदी बोल सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन, सो ही कैन, या यस ही कैन, यस ही कैन, सो ही कैन, या ऑफ कोर्स ही कैन। चौथा है, ही लुक्स डिसऑनेस्ट, ही लुक्स डिसऑनेस्ट, यस ही डज, ही लुक्स डिसऑनेस्ट, यस ही डज, यस ही डज। अब आई एग्रीमेंट्स विथ नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ये तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ एग्रीमेंट था। अब एग्रीमेंट विथ नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर मेड विथ नो प्लस प्रोनाउन प्लस एक्सिलरी वर्ब, उसमें नॉट जोड़ दिया जाता है। कह रहा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ सहमति जो व्यक्त किया जाता है वह होता है नो प्लस प्रोनाउन एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। द एप्पल्स आर गुड, द एप्पल्स आर गुड, सेब अच्छे हैं, नो दे आरंट, द एप्पल्स आर गुड, नो दे आरंट, नो दे आरंट, यानी सेब अच्छे नहीं है, द एप्पल्स आर नॉट गुड। तो डिसएग्रीमेंट ही है, यानी उससे आप सहमति जना रहे हैं कि हाँ सेब अच्छे नहीं है, तो आप क्या कहें? नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट। अब अगला देखिए, ही कैन नॉट हेल्प कफिंग, वह खांसने पर काबू नहीं कर सकता है, वह खांसना रोक नहीं सकता है। ही कैन नॉट हेल्प कफिंग, नो ही कांट, नो ही कांट, यानी आप एग्रीमेंट बता रहे हैं, नो ही कांट, ही कैन नॉट हेल्प कफिंग, नो ही कांट। They haven't played well. They haven't played. Negative है. उन्होंने अच्छा नहीं खेला है. They haven't played well. उन्होंने अच्छा नहीं खेला. आप सहमति जनानी है. No, they have not. या they haven't. No, they have not. या they haven't. Disagreements with affirmative statements. Disagreements with affirmative statements. Mans are made with no, करा disagreements with, इधर agreement था या disagreement affirmative sentences के साथ
कैसे असहमति जताई जाती है, जैसे नो या वो नो प्लस प्रोनाउन प्लस एक्जिलरी प्लस नॉट। कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्यों के साथ अपनी असहमति जानी हो तो पहले कहते हैं नो या वो नो और तब प्रोनाउन और उसके बाद एक्जिलरी फिर नॉट जोड़ेंगे। What is used disagreement with a question or an assumption, assumption conflict? ये तो रहा उसका। अब कह रहा what is used disagreement with a question, यानी but का जो प्रयोग किया जाता है वह असहमति के लिए किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? But is used in disagreements, यानी असहमति में व्यक्त किया जाता है। यहां पर is used in, but is used in disagreement with a question or an assumption, assumption कल्पना। जैसे he is drunk, को पिए हुए है, no he is not, he isn't, he isn't। अब देखिए he is drunk affirmative sentence है, agreement with अगर affirmative sentence तो लगाया no, वो no sorry no he isn't, नो ही एजेंट। दूसरा यू आर जोकिंग, आप मजाक कर रहे हो, ओ नो आई एम नॉट, ओ नो आई एम नॉट। दिया ना नो लगाइए चाहे ओ नो लगाइए, तब प्रोनाउन लगाइए और एक्जिलरी हुआ प्लस नॉट। तीसरा है व्हाई डिड यू बीट हिम, व्हाई डिड यू बीट हिम, Why did you beat him? अब but से बना, but I didn't, but I didn't. Why did you beat him? But I didn't. लेकिन मैंने तो नहीं पीटा, या करा कि तुमने उसे क्यों पीटा, तो मैंने नहीं पीटा। I suppose she knows Bengali. आई सपोज कल्पना है, सपोजिशन है, आई सपोज मैं सोचता हूं सी नोज बंगाली, वो बंगाली जानती है, बट सी डजंट, बट सी डजंट, लेकिन वो नहीं जानती है, बट सी डजंट, यानी बट से इसका यूज किया गया। अब आया डिसएग्रीमेंट्स विथ नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर मेड विथ ओ यस ओ या बट प्रोनाउन एक्जिलरी वर्ब, यानी असहमति नकारात्मक वाक्यों के साथ कैसे बताई जाती है। जैसे यू कांट अंडरस्टैंड इट, तुम इसे नहीं समझ सकते, यस आई कैन, यस आई कैन। दूसरा है he won't come again, वो दोबारा नहीं आएगा, बट he will, बट he will, लेकिन वो आएगा। You don't know him, तुम उसे नहीं जानते, ओ यस आई डो, मैं जानता हूं, यस आई डो, मैं उसे जानता हूं। आई डिडंट ब्रेक इट, मैंने तो इसे नहीं तोड़ा, ओ बट यू डिड, ओ बट यू डिड, लेकिन तुमने इसे तोड़ा। तो यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से अफर्मेटिव स्टेटमेंट के साथ आप सहमति जताते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे आप सहमति जताते हैं, दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ कैसे आप असहमति जताते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ कैसे असहमति
बताते हैं या जनाते हैं, ये सारे शॉर्ट आंसर्स के लिए तरीके बताए गए। थैंक यू।